ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी व्यक्तियों का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से आप अक्षय तृतीया पर क्या ऐसे कार्य अपने घर पर कर सकते हैं और अक्षय तृतीया का पौराणिक इतिहास क्या है जो महाभारत से संबंधित है अथवा इसका पंचांग क्या है। तो आज ये सब बातें हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे करने जा रहे हैं। जो व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं, पहली दफा वीडियो को देख रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाले टाइम में ऐसी विचित्र जानकारियां उन तक पहुंचती रहे। तो मित्रों, इस वर्ष अक्षय तृतीया रविवार को यानी 26 अप्रैल को पड़ रही है और हिंदू कैलेंडर के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया को अखा तीज भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु की पूजा होती है और शुभ मुहूर्त में सोना खरीदा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से धन संपदा में अक्षय वृद्धि होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया को ही त्रेता युग का आरंभ हुआ था। और अब अगर इसके पंचांग के बारे में बात करें कि अक्षय तृतीया का पंचांग क्या है, तो अक्षय तृतीया का पंचांग प्रारंभ है 26 अप्रैल को दोपहर 1:22 से और 27 अप्रैल को दोपहर 2:29 तक रहेगा। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का समय है 26 अप्रैल को दिन में 11:51 से शाम को 5:45 तक। और अब अगर बात करें इसके इतिहास के बारे में, तो अक्षय तृतीया का पौराणिक इतिहास महाभारत काल में मिलता है। जब पांडवों को 13 वर्ष का वनवास हुआ था तो एक दुर्वासा ऋषि उनकी कुटिया में पधारे थे। तब द्रौपदी से जो भी बन पड़ा, जितना हुआ उतना उनका श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सत्कार किया, जिससे वह काफी प्रसन्न हुए और ऋषि दुर्वासा ने उस दिन द्रौपदी को एक अक्षय पात्र प्रदान किया। साथ ही उनसे कहा कि आज अक्षय तृतीया है, अतः आज के दिन धरती पर जो भी श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना करेगा, उनको चने का सत्तू, गुड़, मौसमी फल, वस्त्र, जल से भरा घड़ा तथा दक्षिणा के साथ श्री हरि विष्णु के निमित्त दान करेगा। उसके घर का भंडार सदैव भरा रहेगा, उसके धन धान्य का क्षय नहीं होगा, उसमें अक्षय वृद्धि होगी। और अगर इस दिन पौराणिक कथाओं के अनुसार देखा जाए कि दो मांगलिक कार्य अवश्य किए जाते हैं और हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया तिथि का मांगलिक कार्यों के लिए विशेष महत्व है। इस तिथि को विवाह करना अच्छा माना जाता है। हालांकि इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण देश भर में लॉकडाउन है, ऐसे में मांगलिक कार्यों पर रोक लगा हुआ है। अक्षय तृतीया के दिन स्वर्ण आभूषण भी खरीदे जाते हैं और इसे शुभ माना जाता है, लेकिन लॉकडाउन के कारण सभी मजबूर हैं। अगर आपका सामर्थ्य है या आपका ऐसा कहीं पे लिंक है, कहीं से आप ऑनलाइन अपने घर के लिए सोना खरीद सकते हैं, तो आप अवश्य इस दिन सोना बताए गए समय अनुसार खरीद सकते हैं। मित्रों, अगर इसकी मान्यता आप देखना चाहते हैं, तो मान्यता के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान परशुराम भगवान का भी जन्म हुआ था। अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर ही माँ गंगा का धरती पर आगमन हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन से ही वेद व्यास जी ने महाभारत ग्रंथ लिखना आरंभ किया था। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। अतः अक्षय तृतीया पर वृंदावन के बांके बिहारी जी के मंदिर में श्री विग्रह के चरणों के दर्शन होते हैं और अक्षय तृतीया पर किसी भी प्रकार का अत्याचार, दुराचार और किसी की पीड़ा ना पहुंचाना। मान्यता है कि अगर अक्षय तृतीया के दिन कोई गलत कार्य किया जाता है तो उसका पाप हर जन्म में जीव का पीछा करता है। ऐसे में शास्त्रों में
इस दिन जीव आत्माओं को अत्यंत ही सावधानी बरतने वाला बताया गया है। अक्षय तृतीया पर किसी भी प्रकार का सेंधा आदि व्रती नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी इस दिन व्रती नमक खाने से बचना चाहिए। तो मित्रों, यह कुछ अहम जानकारी थी जो हम आपके लिए लेकर आए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं, वीडियो को लाइक करें और जरूरतमंद तक शेयर करें। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य नुस्खे के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाजत चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।